काम तो हमें जो कुछ मिल जाता है वो काम करते हैं। मैक्सी का मिल जाए मैक्सी का, झंडा का मिल जाए झंडे का, जैसी मशीन मतलब तकिया मिल जाए, खोल मिल जाए, थैला मिल जाए, उस तरीके से हम मतलब सारा काम करते हैं। उसमें 5 रुपये का पीस है और मशीन भी हमारी, धागा भी हमारा, लाइट भी हमारी, और उसमें 5 रुपये उसी में मिलते हैं। धागा आता है 350 रुपये किलो, लाट आती है बहुत, अब तुम जानो बत्ती का बिल बहुत आ रहा है। ये तो हमें परेशानी है कितनी, मगर ये हम अपनी बच्ची को लाया, गरीब भाई के लिए पेट अपना गुजर बसर कर रहे हैं। जो लड़के हैं उनका क्या है, लड़कियाँ ज्यादा ये जो काम है लड़कियाँ करती है ना? हाँ, ज्यादातर लड़के ही काम करते हैं, लड़के छोटे हैं, लड़की बड़ी हैं, लड़के तो छोटे छोटे हैं, लड़की बड़ी हैं, तो इस वजह से लड़की ही काम ज्यादा करती है। घर के अंदर का भी काम है ना, लड़कियों को तो बाहर नहीं भेजना? नहीं नहीं नहीं, बाहर नहीं भेजते, अंदर घर के ही काम है, बाहर तो हम जाते हैं। हम इनके आदमी इनके भी फेरी करते हैं, हमारे आदमी भी फेरी करते हैं, बोर्डिंग पलंग की फेरी करते हैं। अब सुबह के गए 6 बजे के, अब आज बताना का आज नसीब में पैसे हैं या नहीं है, आज खाना बनेगा या ना बनेगा, इस वजह से ये बेटी लगा रखी है। नाम रुखसार है मेरा, और काम करते हैं, बहुत मेहनत है इसमें, और 5 रुपये का पीस है बस, और मेहनत बहुत है इसमें। और आप कितने टाइम से काम कर रही हो? 2-2.5 साल हो गए। छोटे बच्चे रात दिन लगे रहे, कुछ पढ़ता नहीं, मतलब 50 रुपये के 1,000 सिल लेंगे, 1,000 के सिल लेंगे, ये 50 रुपये के 1,000 है। So today we're telling stories of home-based workers of India who are invisible and unpaid. We're traveling through dimly lit rooms, through narrow lanes where women are working and slogging for hours to make abysmal amounts of money. ना इनका टाइम की पता, ना रात की पता, ना दिन की पता। सवेरे 6 बजे बैठती हैं, रात को 10 बजे उठती हैं ये, जब इनका 200-250 रुपये का काम होता है, और इसी में ही मेहनत मजदूरी में किराए का घर है इनका। एक काम करने वाला 10 खर्चे, एक की कमाई में 10 का खर्चा चलेगा ना, वैसे 8-5 काम करेंगे जब। और तुम यहाँ के खर्चा तो बताइए कितना खर्चा होता है, तुम पानी भी लेने जाओ वो 20 रुपये की बोतल आती है ना आती, और जब हम करेंगे ना तो पानी भी ना आने पाए। वो ये गुजर करने वाली बात है, किराए पर रह रहे हैं परदेसी आदमी, एक काम की खातिर नहीं आना पड़ा, ना उधर भी कोई उधर लाके में कोई काम नहीं है, और जे यहाँ जे तो अपना बच्चे लगे रहते हैं, तो अपना जे मेहनत कर रहे हैं, अपने खाना खा रहे हैं, ये मेहनत कर रहे हैं। इसमें भी तुम 2 घंटे हट जाएंगे, राशन लेने जाए वहाँ 2 घंटे खराब हो गए तो मेहनत गई, इसमें भी मेहनत गई। सवाल कहीं मतलब बाजार घाट जाओ उसमें भी 2 घंटे लग जाएंगे, इतनी मेहनत गई, कितना कर लेंगे उतना ही। In a study conducted by the Center for Equity Studies, in its report, which was about stitches and switches, which documents the lives of women workers, it mentioned that women experience serious abdominal pains, eyesight issues, posture issues, as well as mental health problems. मेरा नाम रुखसाना है, 3 साल से काम करती हूँ उसमें, होम्योपैथिक, मतलब ये दवाइयों की बोतलें हैं ये, तो ये जाती हम काटते हैं इसको, इसमें 1 रुपया मिलता है हमें, मतलब 1 ग्रुप पे 1 रुपया, 12 दर्जन पे 1 रुपया मिलता है। और फिर अभी छोड़ दिया था मैंने काम, मतलब घर वाले बीमार हो गए थे, तुम्हारे हेडेक पड़ गया था, मैं भी बीमार हो गई थी, 4 दफ़े नाक से खून गया मेरे, तो मैंने छोड़ दिया था काम, अब फिर करने लगे मजबूरी आ गई। तो मेरा नाम रूबी है, और हम ये बोतल काटते हैं, लेकिन ये कट्टा 2 दिन में काट पाते हैं हम 4 लोग, और जब हमें पैसे मिलते हैं तो 4 लोग डिवाइड कर लेते हैं, बांट लेते हैं। हमें काटने में ये बहुत मेहनत पड़ती है और परेशानी भी बहुत आती है। सुबह 10 बजे से बैठते हैं, 4 बजे तक करते हैं। कमर में तो बहुत होता है दर्द, बस क्या करना तो है ही है, हमें नहीं करेंगे तो फिर गुजारा कैसे करेंगे। Over 14,000 bottles cleaned over a period of 2 days, and these women make a meager amount of ₹200. These tiny bottles. When these women clean about 144 of these bottles together after slogging for hours and hours, they can manage to get 1 rupee. 1 rupee for 144 of these bottles, cutting them, cleaning them, and then packaging them.
when we look at the definition of home-based workers by the International Labour Organization, home-based workers are recognized as those workers who work within the boundaries of their houses or in adjacent locations or through contractual remunerative means. Many home-based workers happen to be women. And there is a very important link that is connected to women being home-based workers, which is the link of the intersectional nature of oppression. So the connection of the patriarchal understanding of why women should be home. The women, however, have dual responsibilities as being producers for their contractors by giving them pieces and manufacturing products, as well as taking care of the house, their children, cooking, cleaning, and doing the duties of what a rightful good woman would do. Nazia hai mera naam aur ye main ek gadde jo na 15 darjan nahi hai 15 darjan mein main 40 rupaye ka karti hu ye kaam do din mein 120 ka hota hai mera ye jo isme hai na ye bakkal wagera ye lagati hu main ye bakkal hai aur ye stamp printing wagera fir isko packing wagera karte hain roll bana ke फिर ये मार्केट में जाती हैं जहाँ से हम लाते हैं ना वहाँ पर भेजते हैं तो आपको जो आपने कब से शुरू किया ये काम किसने बताया आपको इसके बारे में ये हमारे मतलब कोई रिश्तेदार हैं वो करते हैं तो मैंने फिर उनसे पूछा था घर में बैठे रहते हैं थोड़े पैसे भी आते हैं इससे तो इस वजह से ये मुझे 2-2.5 साल हो गए हैं मैं बैठती हूँ 1 बजे के करीब बैठती हूँ फिर मैं 5-5:30 बजे हट जाती हूँ क्योंकि शाम को खाना वाना बनाना होता है महीने में पड़ जाते हैं मेरे जैसे 2000 जी जाएगा, तो उसमें भी जाता है कि नहीं बच्चों को भी देखना है हाँ वो तो है ही हो नहीं पाता है फिर कभी कभी ऐसा होता है ज़्यादा माल भी जैसे मंगवा लेती हूँ ओवर टाइम जैसे कर लो रात में कर लेती हूँ जैसे तो हो जाता है थोड़ी दिक्कत रहती है बस ये